हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं सनस्क्रीन की, जो है अरोमा मैजिक का। तो चलिए देखते हैं ये प्रोडक्ट कैसा है, इसे हमें इस्तेमाल करना चाहिए नहीं करना चाहिए, ये वाकई इफेक्टिव है कि नहीं है। आज हम इसके बारे में पूरी डिटेल्स देखेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो गाइज, आज मेरे पास जो प्रोडक्ट है वो है अरोमा मैजिक का। ये है सन ब्लॉक लोशन, UVA, UVB, SPF 30, PA++। तो मतलब काफ़ी कुछ इसमें मेंशन किया हुआ है इसके ट्यूब के ऊपर। तो गाइज, अगर मैं इस प्रोडक्ट की बात करूँ तो ये प्रोडक्ट मैं काफ़ी लंबे टाइम से यूज़ कर रही हूँ। मतलब कितने सालों से मैं यूज़ कर रही हूँ आई डोंट नो, क्योंकि ये प्रोडक्ट सच में मुझे बहुत अच्छा लगता है। अगर मैं सनस्क्रीन की बात करूँ तो गाइज, मुझे शायद सच में बताने की ज़रूरत नहीं है कि हमें सनस्क्रीन क्यों यूज़ करना चाहिए, क्योंकि आज के टाइम में हर किसी को पता है कि हमें सनस्क्रीन ज़रूर यूज़ करना चाहिए। क्योंकि जैसे जैसे ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, आपको पता ही है कि आपकी स्किन सन से बहुत डैमेज हो जाती है। और आप विंटर में स्पेशली, क्योंकि मैंने हमेशा देखा है काफ़ी वीडियोस में लोगों की कि लोग रिकमेंड करते हैं कि आपको समर में सनस्क्रीन यूज़ करना चाहिए, क्योंकि आप तब बाहर निकलते हैं से यू तब इसका ज़्यादा इस्तेमाल करना चाहिए। लेकिन मुझे लगता है सनस्क्रीन हमेशा इस्तेमाल करना चाहिए, डजन मैटर कि वेदर कौन सा है, सर्दी है गर्मी है, आपको हमेशा इस्तेमाल करना चाहिए। विंटर में स्पेशली मैं ज़रूर कहूँगी कि आप प्लीज़ इसको ज़रूर इस्तेमाल कीजिए, क्योंकि विंटर में बहुत सी जो लेडीज़ हैं जो घर पे रहती हैं, वो ऊपर छत पे जाती हैं, धूप सेकती हैं, क्योंकि सर्दी है तो डेफिनेटली हर कोई धूप में बैठता है। तो फिर इसीलिए तो आपको ज़रूर सनस्क्रीन को इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि उस वक्त तो आपको धूप बहुत अच्छी लगती है ठंड में, लेकिन वाकई बाद में आपकी स्किन को वो बहुत डैमेज कर देती है। सन कहीं ना कहीं आपकी स्किन पे बहुत ज़्यादा स्कार्स छोड़ के जाता है, जो बहुत लंबे टाइम के बाद आपको लगता है कि वाकई आपकी स्किन बहुत डैमेज, बहुत ज़्यादा डैमेज हो गई है। तो इसीलिए आप सनस्क्रीन को पूरा साल किसी भी वेदर में हमेशा उसको इस्तेमाल कीजिए। अगर मैं बात करूँ इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की, तो ये अरोमा मैजिक का है। इसकी जो प्रोडक्ट क्वांटिटी है वो है 50 ml, और जो इसका प्राइस है वो है 210। ये आपको अमेजोन, फ्लिपकार्ट, purple.com किसी भी उस पर बहुत इजीली मिल जाएगा, और हमेशा ये बहुत अच्छे डिस्काउंट पे ही मिलता है, क्योंकि मैं भी इसे हमेशा डिस्काउंट पे ही लेती हूँ। ये बहुत अच्छा है प्रोडक्ट आपका। जो मैं अगर इसकी बात करूँ तो ये ऑल स्किन को सूट करेगा, क्योंकि मेरी ड्राई स्किन है तो मुझे ये बहुत अच्छे से सूट करता है, लेकिन मुझे लगता है कि ये हर स्किन टाइप को सूट करेगा। सबसे अच्छी चीज़ इसकी ये है कि बहुत जल्दी आपकी स्किन में ऑब्जर्व हो जाता है। और मैंने बहुत सारे और भी प्रोडक्ट्स के सनस्क्रीन यूज़ किए हुए हैं, वो उसे यूज़ करने के बाद कहीं ना कहीं आपकी स्किन में एक वाइट कलर का वो क्या बोलते हैं, एक लेयर छोड़ जाता है आपकी स्किन के ऊपर। लेकिन इसे आप यूज़ करेंगे तो आपकी स्किन पे बिल्कुल भी अलग से वाइट कलर की लेयर नहीं होगी। आप ये आपकी स्किन में आपकी स्किन टोन के हिसाब से बिल्कुल मैच हो जाएगा, आपको लगेगा ही नहीं कि आपने अलग से एक्स्ट्रा कुछ लगाया है। इवन ये आपको थोड़ा सा फेयर लुक ज़रूर देगा, ये मैं आपको ज़रूर बोलूँगी कि आपका स्किन का जो टोन है ना, वो थोड़ा सा लाइट इसको लगाने के बाद आपको लगेगा कि थोड़ा सा ब्राइटनेस आपके फेस पे ज़रूर आएगी। और सबसे अच्छी चीज़ गाइज, ये बिल्कुल भी ऑयली आपके फेस को नहीं करेगा, तो इसलिए आप इसे ज़रूर इस्तेमाल कीजिए। क्योंकि बहुत सारे सनस्क्रीन और ब्रांड्स के मैंने यूज़ किए हैं, वो इसके लगाने के बाद आपकी स्किन से पसीने ही आने शुरू हो जाते हैं, और जैसे आप धूप में जाते हो तो वो बिल्कुल बहने लग जाती है। तो ये ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ये बहुत अच्छे से आपकी स्किन में ऑब्जर्व हो जाएगा, आपको बहुत अच्छा सा फेयर सा लुक भी आपको इवन ही आपको देगा। और सबसे अच्छी चीज़ है कि ये बहुत ज़्यादा यूज़र फ्रेंडली है, मतलब ये बहुत ज़्यादा प्राइस भी नहीं है, बहुत कम क्वांटिटी में से आप इस्तेमाल कीजिए। और जो उसका इस्तेमाल करने का तरीका है वो बहुत सिंपल है। आप रेगुलर जैसे आप नॉर्मल अपना फेस वॉश करके अपना जो भी आप क्रीम यूज़ करते हैं उसे लगाइए, उसके बाद इसे लगाइए। और कोशिश कीजिए कि प्लीज़ गाइस, इसे धूप में निकलने से कम 20 से 25 मिनट पहले आप इसे लगा लीजिए, ताकि आपकी स्किन में अच्छे से ऑब्जर्व हो जाए। और जितने भी ओपन एरियाज हैं आपके स्किन में, वो सिर्फ आपका फेस नहीं है, आपकी नेक है, आपके हाथ हैं, ये जो आपके हाथ होते हैं ये भी ओपन रहते हैं, क्योंकि आप 24 घंटे आप ग्लव्स पहन के नहीं रख सकते, या फिर दस्ताने आप डाल के नहीं रख सकते, ये भी आपका एक तरीके से ओपन पार्ट से आपकी स्किन का है, तो आपको उस पर भी इसको इस्तेमाल करना चाहिए। तो आई होप आपको ये मेरा रिव्यू बहुत अच्छा लगा होगा। सो थैंक यू सो मच।